हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 21 का, जो न्यू आरडी शर्मा 2022 एडिशन ब्लू बुक जिसको तुम बोल रहे हो उससे चल रहा है। ठीक है, तो भाई इस एक्सरसाइज में हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलो फिर फटाफट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा, ये रहा आपके सामने। आपने इसका LHS उठा के लेके आए, ये आपके पास है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपने सोचा कुछ नहीं हो सकता इसका, तो आपको याद आया कि 1 अपॉन साइन ए लिखा हुआ है, तो ऊपर मैं 1 प्लस साइन ए कर लूं और नीचे 1 प्लस साइन ए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ हो सकता है। तो आपने ट्राई करके देखा, तो ऊपर आपके पास बन गया बच्चा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज आइडेंटिटी। अब ऊपर क्या हो गया, अंडर रूट हटा तो 1 प्लस साइन ए बन गया, और नीचे अंडर रूट नहीं हटा बट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो आपने लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बन गया, ये तो स्क्वायर से कोस ए बन गया। अब सेक ए टेन ए लग रहा है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सोल्व करके देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हाँ लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है भाई, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए होता है। क्या तुम्हारा RHS आ गया? आ गया। सिंपली तुम्हें बात ध्यान में क्या रखनी थी, जब भी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कोट ए 1 माइनस सेक ए कुछ दिखे तो उसको पहले आइडेंटिटी लाइक बनाओ। कैसे बनाएंगे, उसको किसी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाएंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 21 का पार्ट 2 आपको ये दिखा, ये भी दिखा है ना। तो LHS को आपको दिखते ही आपका नज़र दिमाग बहुत तेज जोड़ा, और आपने किया क्या, अंडर रूट 1 माइनस कोसे है और डिवाइड में क्या है 1 प्लस कोसे। तो आपने नीचे वाले को बोला तेरे को अगर मैं 1 माइनस कोसे से मल्टीप्लाई करूँ तो तेरे को कोई दिक्कत है क्या, तो ऊपर वाला बोला नहीं मेरे को भी कर, बोले ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं, बोले नहीं। फिर आप दूसरे वाले के पास गए, ठीक है आपने कहा तेरे पास 1 प्लस कोसे ऊपर है तो तेरे से एक बार मतलब नहीं है मेरे को, बट नीचे वाले से मतलब रखा तुमने 1 माइनस कोसे है, बोले तेरे को मैं 1 प्लस कोसे से दिक्कत है क्या कुछ मल्टीप्लाई करने पर, बोले नहीं ऊपर कर दे बस, तो आपने ऊपर भी कर दिया। ठीक है अब ऊपर क्या बना, ऊपर आपने अंडर रूट लगाया, वो बोला फर्स्ट वाला तो बन गया 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस, दूसरा क्या बना रहे बच्चा, पापा बताओ 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर बना कि नहीं बना। हाँ नीचे क्या बना, यस दिस इज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आपने कहा ऊपर से ब्रैकेट हटा, अंडर रूट हटा तो 1 माइनस कोस ए निकल के आया फर्स्ट वाले में से, नीचे क्या हो गया अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं, मैंने कहा ठीक है प्लस ये हो गया 1 प्लस कोस ए और होल डिवाइड बाय अंडर रूट, ये भी साइन स्क्वायर ए बन गया। अब आपने कहा देखो हमें इतना तो आता है कि नीचे साइन ए आ जाएगा, ओके प्लस 1 प्लस कोस ए है नीचे साइन ए आ जाएगा, दोनों का बोला अब मैं एलसीएम ले लूँगा, क्या ले लूँगा एलसीएम, तो आपने ले लिया साइन ए एलसीएम, तो आया 1 माइनस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए। इससे क्या हुआ, मैंने कहा देखो कोस ए से कोस ए कट गया, ऊपर बचा 2 नीचे बचा साइन ए, और 2 अपॉन साइन ए को क्या बोल सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए बोल सकते हो, क्योंकि साइन ए को तुम क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए को कोस ए ही लिख सकते हो। क्या तुम्हारा आंसर आ गया, यस सर ये तो बहुत ईजी है, मैंने कहा हाँ बस तुम्हें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। अरे सर ये तो वैसा ही है सेक थीटा दिख रहा है क्यों यार, मैंने कहा क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। तो LHS पार्ट को आपने पकड़ा और बोला देख भाई तू क्या है सेक थीटा माइनस 1 है, नीचे क्या है सेक थीटा प्लस 1 है, तो अगर मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूँ किससे सेक थीटा माइनस 1 से, और ऊपर भी इसी से कर दो, ठीक है कर दिया। अब बोल तो आगे प्लस में इधर भी यही कुछ लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस 1। हाँ अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम क्या ऐसा कर सकते थे दोनों का एलसीएम ले सकते थे, ले तो सकते थे तो उससे भी काम हो जाता, क्या हो जाता काम हो जाता, ऊपर प्लस 1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी किससे करोगे मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस 1 से, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया बच्चा अंडर रूट में फर्स्ट टर्म में आपके पास आया सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ध्यान से देखना प्लस अंडर रूट में
ऊपर आया सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे क्या आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब तुमने सोचा एक आइडेंटिटी होती तो है सेक की कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो बोला इसका मतलब है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो आपने इसको लिख दिया अंडर रूट में, अंडर रूट हटा लो ऊपर वाले का, तो ऊपर तो आएगा सेक थीटा माइनस वन डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर आएगा सेक थीटा प्लस वन और डिवाइड में आएगा अंडर रूट में टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब आपने अंडर रूट हटाने की कोशिश की तो अंडर रूट हटाने में तुम्हारे हाथ जल गए और टेन थीटा बचा प्लस इधर भी हाथ जले क्या? हाँ जले सर हमारे, तो क्या बचा टेन थीटा बचा। फिर हमने लिया एल सी एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऊपर आया बच्चा सेक थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा प्लस वन, क्या हो गया वन से वन कट गया अगली बार, तो ऊपर आ गया टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सर ये कोसेक थीटा बनाओ इसको, मैंने कहा देख टू सेक की जगह लिख वन अपॉन कोस थीटा और इसकी जगह लिख साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लिख सकता है कि नहीं? हाँ। अब नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तो ऐसा है ऊपर वाला तो इनटू ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? कोस से कोस कट गया तो आपके पास बचा, मैं आगे तो नहीं आया तुम्हारे, नहीं आया पक्का? हाँ ठीक है। नाउ आपने इसको लिखा इनटू वन अपॉन साइन थीटा और इसको आप लिख सकते हो टू कोसेक थीटा और दैट इज योर आर एच एस। अब तो थोड़ा सा आगे आ गया होगा, हाँ थोड़ा सा नहीं अब सही है, अभी तो सही है, फिक्स है ना, क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो बता दियो भाई, कमेंट कर दियो मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो इसी का पार्ट नंबर टू है क्या? हाँ है ना, ये वही है। तो चलो मैं अब थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। एल एच एस अंडर रूट के अंदर तो देखो वन माइनस साइन थीटा है, तो ऊपर वाले को वन प्लस साइन थीटा से करेंगे तो वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा और नीचे क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें क्या करेंगे नीचे प्लस है तो ऊपर वाले को माइनस से किया तो वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आया और नीचे क्या आया बच्चा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैं जल्दी कर दिया है, तो आपने बोला इधर बचा वन प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बचा अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा। अब कहीं कहेंगे इसको भी कर देते तो जल्दी, मैंने कहा रुको यार सब्र करो, डिवाइड में क्या लिखोगे अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आया वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या कर सकते हैं बच्चा एलसीएम ले सकते हैं, तो कोस थीटा तो है ही नीचे दोनों में सेम ही तो है, तो ऊपर वाले भी सेम ही तो रहेंगे प्लस वन माइनस साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, तुम्हारे पास बचा टू अपॉन कोस थीटा और ऑब्वियसली टू इंटू वन अपॉन कोस थीटा लिखोगे और आप बोलोगे टू सेक थीटा बन जाएगा और दैट इज अवर आर एच एस। कितना इजी है सर, ये तो बहुत ही इजी है। अब ये कैसे करें हम, तो मैंने कहा या तो तुम ले लो एलसीएम या इसको कर लो साइन कोस में कन्वर्ट, और अगर तुम एलसीएम भी नहीं लेना चाहते तो तुम्हें एक बात तो पता होगी कि सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या फ़ायदा होगा? कुछ तो होगा हाँ, और सर कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख कर देखो। तो मैंने कहा लिखा एल एच एस को पकड़ा, फिर मैंने लिख दिया कि टेन स्क्वायर ए, देखो काम वही होंगे बट ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, वो ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तब बोलेंगे कोट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पे बच्चा ए आएगा। अब आप ले लो एल सी एम, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। सही है सबको, क्लियर है? अब क्या करें, मैंने कहा टेन को साइन कोस में कन्वर्ट करो, सिंपल सा तरीका है। तो आपने कहा देखो सर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, दिस इज अवर टेन स्क्वायर ए इंटू दिस इज अवर वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, दिस इज अवर कोसेक स्क्वायर, ठीक है। प्लस सर कोट होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है इंटू वन अपॉन कोस स्क्वायर ए और डिवाइड में इसको भी कन्वर्ट कर लें क्या? मैंने कहा एक बार रहने दो बाद में कर लेंगे, ठीक है भाई यहाँ तक तो एक बार
अब ऊपर देखो, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए, तो क्या बचा? वन अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए बचा। और डिवाइड में क्या है सर? सेक को सेक स्क्वायर ए रहने दो और कोस को कोस सेक ही रहने दो। एक बार ना ऊपर एलसीएम लेते हैं तो हम क्या आता है, ऊपर आता है साइन स्क्वायर ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आएगा कि नहीं आएगा? और अपोन में क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर ए इंटू कोस सेक स्क्वायर ए चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या मैं इसकी जगह वन लिख दूं भाई? तो आप लिखोगे, देखो सर वन अपोन साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए आएगा, आएगा इंटू ये जो सेक स्क्वायर ए है ये ऊपर चले जाएंगे, सेक स्क्वायर ए इंटू कोस सेक स्क्वायर ए, सही है क्या? नहीं सर, गलत लिख दिया आपने, इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा। तो ये कुछ है ना इस टाइप से बनेंगे, या फिर मैं अगर इसको ऐसे ही रखूँ, एक मिनट रुको, तुम्हारा डाउट तो रहने नहीं देना है। अरे कहाँ गए, वापस आओ। हाँ हाँ अभी ठीक है। अभी डिवाइड में क्या लिखोगे तुम लोग? सेक स्क्वायर ए की जगह वन अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, इंटू कोस ए की स्क्वायर जगह की वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब तो कर लोगे वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, और इनका रेसिप्रोकल का होगा भाई? क्या ऐसा होगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए? क्या तुम्हें लग रहा है कट जाएंगे? तो वैल्यू क्या आ गई? वन, जो तुम्हारा क्या है आर एच एस राइट हैंड साइड। ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब मेरे बच्चे देखो, तुम्हारे को ये डाउट लग रहा है सर मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं रही, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, तो एक काम करियो, ऐसे एलसीएम ले सकता है कि टेन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, हाँ प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर ए कर लेगा। डिवाइड में क्या रहेगा तेरे पास बच्चा? वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना, फिर कुछ ऐड हो जाएगा और कुछ टेन और कोट मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, है ना, ये कट जाएंगे। तो इस टाइप से हमें थोड़ा सा सोचना है, बस कुछ नहीं करना। अगर मेरे वाला कॉन्सेप्ट समझ में कम आया, वैसे ये शॉर्ट शॉर्ट से शॉर्ट है, इससे शॉर्ट तो नहीं होगा थोड़ा सा, है ना, तो ये थोड़ा सा करके देख लेना आप, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहे तो आपके साथ तो अवेलेबल है, कमेंट कर सकते हो आप मुझे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आपकी नजरों के सामने, वन प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा। तो बच्चे डर गए इसको देखकर, क्या करे सर हम, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा देखो वन प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, हाँ डिवाइड में क्या है? साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। अब कर क्या सकते हो? तो आपने कहा देखो सर, या तो मैं वन की जगह कुछ पुट कर सकता हूँ, या फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह, क्योंकि कोस थीटा का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा वन की जगह क्या कर सकते हो? बोले सर साइन कोस चल रहा है तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो? बोले सर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। मैंने कहा तेरे को जो ईजी लगे वो कर ले। तो मेरे बच्चे ने बोला चलो सर वन को ऐसे ही रख लेता हूँ मैं, थोड़ा कम हो इसकी जगह मैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देता हूँ। डिवाइड में जो चल रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता सर। हाँ अब ये मत कर देना कि वन माइनस कोस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, रुक जाओ अभी। नाउ ब्रैकेट ओपन करके दिखाओ, वन प्लस कोस थीटा माइनस वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा, ठीक है भाई। अब वन से वन कट गया तो तेरे पास ऊपर क्या बचा भाई? कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और वन प्लस कोस थीटा। अब क्या कर सकते हो? ऊपर से सर कोस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कहा ले ले, तो आपके पास आएगा वन माइनस कोस थीटा, और डिवाइड में क्या बचेगा? साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा, है ना। अब ये क्या कर दिया अपने, यहाँ पे कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना, हाँ तो ये कट जाएगा, ब्रेकेट तो कट गया, तो बचा क्या? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसको तू क्या लिख सकता है भाई? कोट थीटा लिख सकता है, और जो ही तेरा क्या है आर एच एस है, जो ही तेरा आर एच एस है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का समझ में आई ना सबको? कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? चलो फिर नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, डाउट नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 25, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए को ये लाना है। मैंने कहा देखो टेन स्क्वायर ए को साइन कोस में मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ, तो टेन स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोट क्या होता है? कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। गलती से मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया भाई? गलती से, क्योंकि गलती इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ा हो गया क्वेश्चन, है ना, कोस स्क्वायर ए तो साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन की पावर फोर ए बन गया,
और कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ, कोस की पावर 4a बन गया। सर एक तो मेरे को पहले ही कुछ नहीं आ रहा था, अब आपने और कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा ठीक है रुक, साइन 4a प्लस कोस 4a से रिलेटेड एक बात बताई हुई है तुम्हारे को, क्या कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 है और जब तुम इसको ओपन करते हो तो पहली पावर आती है साइन 4 थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी, ऐसा लिखते हैं। हाँ तो इसका मतलब अगर साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा चाहिए तो इसको उधर भेज दो, तो आप लिख सकते हो देयर फोर साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब बच्चे ने कर दिया, लिख दिया भाई यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड में क्या चल रहा था, सॉरी थीटा गलत लिख दिया ऑप्शन ने, थीटा गलत लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। मेरा बच्चा देखते ही बोला इसको हटाओ सर, इस वाले टर्म को हटा दो, इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अब क्या करें, मैंने कहा दोनों में डिवाइड कर दो, ऑप्शन ही क्या तुम्हारे पास, देखो आंसर आ रहा है 2 दिख रहा है ना अलग से, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। देखो सर ये तो कट गए, कोस से कोस साइन से साइन, तो इधर तो बचा 2, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट तो वही आएगा बाद में, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 2 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 2 दैट इज योर आर एच एस। अब मेरे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को मान लो इतनी बातें नहीं आती, तो मैंने कहा अगर तू आर एच एस को सोल्व करने जाएगा तो थोड़ा सा और फंसेगा क्योंकि वहाँ पे 2 है, तो थोड़ा सा और फंसने वाले हो तुम लोग, तो एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि टेन को किस में कन्वर्ट कर लो भाई, थोड़ा सा सिंपल सा बताता हूँ, टेन को किस में कन्वर्ट कर लो सेक में, तो आप इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो टेन को, प्लस कोट को कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए माइनस 1, समझना भाई समझना, लिख सकते हो। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आएगा, हाँ सर सॉरी कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस का 2 आ गया। अब इस वैल्यू को आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, कैसे लिखोगे सर कैसे लिखोगे सर, तो आपको क्या करना है, आपको यही रूल ऐसा कुछ रूल लगाना है कि सर सेक ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, है ना, ये अगर फंस गए अपन है ना ज़्यादा डीप ही जाएंगे, ये तो रहने दो ये ठीक है, ठीक है ना, फंस जाओगे इसमें जाके। चलो फिर नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 26, क्या करूँ सर क्या करूँ, मैंने कहा कुछ मत कर, पहला काम ऐसा कर एलसीएम ले ले, तो आपने एलसीएम लिया तो क्या आया एलएचएस में, पहला काम तो एलसीएम ले लेते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो टेन ए इंटू 1 माइनस ए के माइनस टेन ए इंटू 1 प्लस ए के, ठीक है डिवाइड में 1 प्लस ए के इंटू 1 माइनस ए के, नीचे तो कुछ हुआ हाँ, ऊपर ओपन करो ब्रैकेट, तो आपने लिखा टेन ए माइनस टेन ए से के, मैंने कहा ठीक है माइनस टेन ए प्लस नहीं नहीं माइनस प्लस नहीं माइनस काट दो अदरवाइज माइनस टेन ए से के डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस से के स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलना भाई, 1 माइनस एक स्क्वायर ए, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जो 1 माइनस एक स्क्वायर ए की जगह टेन ए स्क्वायर लिख दो, मैं थप्पड़ लगा दूंगा कान के नीचे, क्या बोलोगे बच्चा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू एक स्क्वायर ए होता है, ऑनलाइन थप्पड़ आएंगे यहाँ से, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी भाई लोगों, आप बोलोगे सर एक स्क्वायर ए माइनस 1,
बट ये तो अलग है। मैंने कहा हाँ, तो घबराओ मत। आपने बोला टेन ए से टेन ए काट दो, मैंने कहा काट दिया, ये दोनों सेम है। मैंने कहा सेम है, लिख दो -2 tan A sec A। और सर नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा sec² - 1। अब इसकी जगह tan² लिख दो सर, क्या मना थोड़ी ना कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, -2 tan A into sec A / -tan² A। माइनस से माइनस काट दो, tan A से tan² A tan A टाइम काट दो तो आपके पास बचेगा माइनस, तो गया 2 sec A / tan A। मैंने कहा आप साइन कोस ले लो, 2 into 1/cos A, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो cos A / sin A आ जाएगा बच्चा, ठीक है। क्योंकि tan A क्या लिखोगे, sin A / cos A, उसका रेसिप्रोकल, तो cos A से cos A कट जाएगा, या 2 into 1/sin A। और जिसका आप जल्दी से लिख दोगे 2 cos A cos A, और जो तुम्हारा क्या है आर एच एच, क्या है बच्चा आर एच एस, क्या समझ में आया। इजी है बट इतना डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो मैं जब बता रहा हूँ तो सारी स्टेप्स समझ में आ रही है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही है यार हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है, उसके लिए थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे दिमाग में भी इमेजेस बननी स्टार्ट हो जाएंगी कब कौन सा रूल लगाना है। अब मैं क्या करूँ सर, मैं फंस गया। मैंने कहा कुछ मत कर यार, तू एलसीएम ले बेटा, एलसीएम, LHS का LCM। तो आपके पास आया 1 cos A θ + cot² θ / 1 cos A θ। हाँ बोले सर, cos A θ साइड में रखो, और ये जो 1 cot² θ है ना, इसको एक जगह लेके आओ, कुछ आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं। हमारा काम क्या है, इसको छोटा करना है बस। हमने cot² θ + 1 पढ़ा था, क्या होता है cos A² θ, क्या होता है cos A² θ, तो cos A θ + cos A² θ / 1 cos A θ होता है। सर है ना, आप हमारे साथ ज्यादती करते हो। मैंने कहा कैसे, बोले आपने कहा था कि क्वेश्चन है ना साइन कोस में कन्वर्ट करने से हो जाते हैं। मैंने कहा था बट वो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं यार, तो मैं तुम्हें आइडेंटिटी लगानी सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम्हें आइडेंटिटी लगानी है बाकी साइन कोस के अलावा वाले। बताओ इन दोनों में से cos A θ कॉमन ले लो बेटा। ले लो सर, क्या बचेगा 1 cos A θ बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ, और नीचे क्या है 1 cos A θ है कि नहीं, काट दो, क्या बचेगा ओनली cos A θ, दैट इज योर RHS बच्चा। क्या बात समझ में आ रही है, इजी लग रहे, थोड़े थोड़े इजी लग रहे, थोड़े थोड़े से। हाँ नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ सर। मैंने कहा कुछ मत कर, आइडेंटिटी नहीं लगानी है अभी, रुक जा, आइडेंटिटी लगेगी नहीं। एलसीएम ले ले, आपने cos θ को मल्टीप्लाई कर दिया cos A θ - 1 से, प्लस cos θ को मल्टीप्लाई कर दिया cos A θ + 1 से, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ गया, cos A θ + 1 into cos A θ - 1। ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करो, तो आपने लिखा cos θ into cos A θ - cos θ + cos θ into cos A θ + cos θ, और डिवाइड में देखो, तुम्हें लग रहा है a - b a + b हो रहा है, तो आप बोलेंगे cos A²θ - 1। देखो cos θ से cos θ कट गया, और ये दोनों एक जैसे ही हैं शक्ल के, तो जो दोनों ऐड हो गए 2 cos θ into cos A θ हो गए डिवाइड में। तो देखो cot²θ + 1 = cos A²θ होता है, याद है हमारे को बहुत अच्छे से, तो cot²θ की वैल्यू हो जाएगी cos A²θ - 1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cot²θ। अब हमने इसको सोल्व किया तो 2 into cos θ into cos A θ की जगह लिख सकता हूँ 1 upon sin θ into, इसकी जगह मैं कोट की जगह के लिए तो cos²θ / sin²θ, उसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा sin²θ / cos²θ, होगा रेसिप्रोकल, साइन से एक साइन कट गया तो sin θ बचा, cos θ से cos θ कट गया cos θ टाइम, तो आपके पास है 2 into sin θ / cos θ, और इसको क्या बोल सकते भाई 2 into tan θ, और जो तुम्हारा RHS है क्या है, राइट हैंड साइड है, क्लियर है। वीडियो बड़ा तो नहीं हुआ, नहीं ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, अभी देख लेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब मैं क्या करूँ सर, इतने तो बड़े सारे, मेरे को ना सर ये डर लग रहा है सर, मैं फंस गया सर। मैंने कहा डर मत, सबको साइन कोस में चेंज कर ले सबसे पहले। LHS
वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। सेके को वन अपॉन कोस ए माइनस कोस ए लिख सकता है, हाँ। टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता है, प्लस इसको कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकता है, हाँ। ये बस कंफ्यूज करने, अब इधर एलसीएम ले ले, तो हमने कहा सर मैं इसमें ना एलसीएम ले रहा हूँ साइन ए, तो मेरे पास आ रहा है वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए आ रहा है, हाँ। फिर मैंने कहा इसमें सर मैंने एलसीएम ले लिया कोस ए, तो मेरे पास आ गया वन माइनस कोस स्क्वायर। मतलब तुम्हें, तुम जब करते हो ना तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार मैं सही कर रहा हूँ गलत, तुम आगे का सोचते हो यार वन कैसे आएगा वन कैसे, अरे नहीं जितना कर रहे हो उसको तो एकदम आराम से करो, तुम आगे का सोचते रहते हो। इधर एलसीएम लोगे क्या आएगा भाई, सर साइन ए इंटू कोस ए आएगा, यही तो कॉन्फिडेंस लाना है तुम्हें, तो ये साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बोल सकता हूँ, प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखो सर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, अपोन में क्या है साइन ए, इंटू वन माइनस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, और अपोन में क्या है कोस ए, इंटू इसकी जगह मैं वन लिख सकता हूँ, वन अपोन इसकी जगह मैं साइन ए इंटू कोस ए लिख सकता हूँ। देखो एक साइन ए और एक साइन ए, दो साइन ए हो गए, ऊपर दो साइन ए, एक दो कोस ए, एक कोस ए और एक कोस ए, क्या बचा ओनली वन, दैट इज योर आर एच एस। अब सोचो कोई बच्चा ऐसे करता कोस ए के इंटू से के इंटू टेन ए, भाई इसको इसको मल्टीप्लाई करता, फिर कोस ए को कोस से और टेन ए से, मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता, और अपने सिंपली कर लिया इसको छोटा सा, तीन लाइनों में खत्म, तीन लाइनों में खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब मैं सर फिर फंस गया सर, मैंने कहा रुक जा फंस मत, सबसे पहले एल एच एस ला बेटा। तो आपने कहा देखो सर वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या करूँ, मैंने कहा इसको साइन ए कोस ए लिख दे, हटाओ इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, हाँ या ना, हाँ सर। प्लस सर वन प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है, इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है भाई, ओके। इधर प्लस वन प्लस क्या इसको मैं से लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, हाँ सर लिख सकते हो, मैंने कहा ठीक है। ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कोस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, यस सर। प्लस ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। मैंने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस वन लिख दूँ मैं इसके लिए, हाँ। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, हाँ। मैंने कहा वापस एलसीएम ले लो, क्या लिखोगे सर एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, तो ऊपर आएगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सर वो तो कुछ आता हुआ दिख ही नहीं रहा, मैंने कहा ठीक है वन अपोन साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, हाँ। अब वो नहीं आ रहा सर, मैंने कहा रुक इसको सोल्व कर पहले आर एच एस को, आ जाएगा क्या करोगे वन अपोन, मैंने कहा इसमें से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले ले, ले लिया, क्या बचा इधर तो वन बचा, उसमें से चार है तो दो बाहर ले गया तो दो अंदर बचा, हाँ। क्या तू वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकता है, अरे सर लिख दूंगा, अब खुश हो गए तुम लोग ना कि आंसर मैच होगा, वाह। यहाँ तक टेंशन में थे वहाँ से एक लाइन में खुश हो गए, तो आपने लिखा लास्ट सो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, क्या बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा वो बता देना यार पढ़ते हो, चीज़ें समझ में आ रही है दिमाग में क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही, जो बातें बता रहा हूँ वो सारी समझ में आ रही है नहीं आ रही, सारी बातें मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। तो इन लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा बाय।